तो आज मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसका नाम है रोल समोसा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी भरकर मैदा लिया है। इस मैदे को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ऑयल। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून कलौंजी। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। तो इसे अच्छे से बिल्कुल हाथ से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो डो हमें ज्यादा गीला नहीं करना है और बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं रखना है, मतलब सॉफ्ट टाइप का डो बनाना है। तो इसमें पानी डालते हैं और इसका डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका मैंने डो लगा लिया है। तो बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। तो इसी तरह का डो हमें चाहिए। तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए साइड में और आगे की प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 3 बॉईल करके आलू ले लिया था। मैं यहाँ पे बड़े साइज का आलू ले रही हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया था और अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो हमें इस तरह का ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो अब इसे ग्रेट करते हैं फटाफट से। इसे इसके ऊपर रख के इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, तो सारे पोटैटो को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं ये चिली फ्लेक्स। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और मैं ये जिंजर पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ और गार्लिक पाउडर 1 चम्मच। और ये मैं हरा धनिया कटा हुआ डाल रही हूँ और हरी मिर्च इसे भी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कॉर्न फ्लोर, इसे भी इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि नमक को हमने आटा में भी डो लगाते टाइम डाला था। तो नमक उसी हिसाब से हमें डालना है ताकि ज़्यादा नमक ना हो जाए। 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में। तो ये देखिए, बढ़िया से सारा चीज़ मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐसे लेकर हाथ पर लगा लेंगे। अच्छी तरीके से ऑयल हाथ पर लगा लेंगे ताकि ये जो पोटैटो है हमारे हाथ में चिपके ना। और इसका छोटा छोटा रोल कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का हमें रोल बनाना है। इस तरीके से सारा रोल बना के रख लेना है। तो हल्का छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारा रोल बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, सारा रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस में चलते हैं। खाने के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये डो बिल्कुल अच्छे से सेट है। तो इसे हम पहले 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं इसे। और अब हम इसे गोल करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमें लोई बना लेना है इसका, बड़ा सा।
अब हम जहाँ पर बेलेंगे वहाँ थोड़ा सा मैदा लगा लेते हैं और इसे बड़ा सा बेल कर तैयार करते हैं इस तरीके से। तो हमें बिल्कुल पतला बेल कर तैयार करना है। तो इस तरीके से मैंने पतला इसे बेल लिया है, बिल्कुल पतला। तो अब हमने जो वो रोल बनाकर तैयार किया था वो इसे इसके ऊपर रख देंगे और इसे मतलब इसका नाप ले लेंगे। उसके बाद इसे ऐसे कट करेंगे यहाँ से ऐसे। तो इसी तरीके से हमें करना है, इस तरीके से इसे कट कर लेना है। तो अब इसे रोल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथों से पहले इसे निकाल लेना है, उसके बाद हमें इस तरीके से इसे रोल करते जाना है। बहुत आराम आराम से हमें रोल करना है। तो इस तरीके से अब ये एंड वाला जो पार्ट है हम इसे वो जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया था उसकी मदद से अच्छे से चिपका लेंगे ताकि ये खुले ना। तो ये देखिए ये रोल बनकर तैयार है बिल्कुल। तो सारा रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है इस तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया रोल बन गया है। तो चलिए अब इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया था पहले से ही। तो अब ये सारे रोल को हम एक एक करके आराम आराम से इसमें डाल देंगे। इस वक्त हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ये ऊपर से पूरा ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। एक बार में जितना जा सकेगा उतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना है। और फ्लेम को लो करके हमें इसे पकने देना है। इसको पकने में तकरीबन लग जाएगा 10 मिनट तक। तो 10 मिनट तक हमें इंतज़ार करना है, बीच बीच में इसे पलटते रहना है। तो अब ये सारा हो चुका है, इसमें ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं एक एक करके इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है और सारे रोल को हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रोल समोसा की डिफरेंट रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी स्नैक्स की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।